बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक दफ़ा फिर मौजूद हूँ अपने यूट्यूब चैनल डडियाल टीवी पर एक नई जगह की नहीं और एक नई वीडियो की नहीं सामने आज हाजिर। आज मौजूद हूँ सर डडियाल एके गेम जोन और भाई अजहर साहब स्पेशली दावत दी थी। अजहर जी भाई अजहर साहब स्पेशली दावत दी थी असा कि जो इसमें ओपनिंग हुई थी लेकिन कुछ वजूहत ने बिना पर नहीं हाजिरी हुई थी। आज स्पेशल असा राशिद साहब न और बाकी इस हवाले इ बेहतर दसी सकने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी अजहर साहब, इस हवाले दसो थोड़ा के गेम जोन क्योंकि असें तो बिल्कुल नहीं पता इस गेम में बारे। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले सब नाजरीन को देखने वालों को और सलाम और अदरी साहब का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी इन्विटेशन एक्सेप्ट की और आज फाइनली वो आज हमारे एके गेम जोन में हाजिर हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि डडियाल में बच्चों के लिए कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ वो अपनी फ्रेशमेंट का निज़ाम हो, जहाँ वो अपनी स्टडी की स्ट्रेस से निकाल सकें। जो ज़्यादा स्टडी करते थे और मोबाइल में ज़्यादा वक्त स्पेंड करते थे, तो इसलिए मेरा बड़ा भाई और मैंने ये सोचा कि बच्चों के लिए कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ वो फ्रेश हो सके, जो स्टडी का टाइम है उस वक्त स्टडी कर सके और बाद में अपना जो फारग टाइम है उसमें अपना फ्रेश हो सकें। तो इसलिए हमने एके गेम जोन का इफ्तिताह किया है। तो यहाँ पर हमने ये कोशिश की है कि जो छोटे से तबका है और सबसे बड़ा तबका है वो सारे यहाँ इकट्ठे खेल सकें। तो सबसे पहले हमारे पास ये है ट्रेडिशनल जो पुरानी गेमें होती थी टोकन वाली गेमें हैं, सबसे ये पहले ये हैं, मतलब 5 रुपये का टोकन है, मतलब छोटे से छोटा बच्चा खेल सकता है। पहले ही 5 रुपये का है, अभी भी 5 रुपये का है, तो ये छोटे सारे ये खेल सकते हैं। तो उसके बाद हमारे यहाँ पीसी एडवांस पीसी हमने बनवाए हैं, इसमें GTA 5 से लेकर टेकन 7 से लेकर तमाम किस्म की जो पीसी गेम्स हैं वो भी चल सकती हैं। ये जो मिडल तबके हैं वो खेल सकते हैं। उसके बाद ये हमारा जदीद तरीन जो सिस्टम है, ये VR बॉक्स है और साथ PS4 है और प्रोजेक्टर पर हम ये गेमें खिलाते हैं। तो वर्चुअल गेम है जो काफ़ी मज़े की है। तो आप सबको इनविटेशन है कि आप सब आएँ और विज़िट करें कि कैसा ये सेटअप बना है। माशाल्लाह जी अजहर साहब, बड़ा ही बेहतरीन निज़ाम है इतना, माशाल्लाह माहौल भी काफ़ी अच्छा है। और बाकी इस हवाले दसो कि PC जेड़े इन्होंने ऑनलाइन गेम भी मौजूद हैं। जी सर, ऑनलाइन गोमा फोर्टनाइट भी है और PUBG मोबाइल, तो वो भी आप जानते हैं कि PUBG मोबाइल से लेकर ऑनलाइन भी सारी हैं, फोर्टनाइट भी है और GTA 5 भी हम ऑनलाइन खिलाते हैं। ठीक है, तो बाकी जो एक और सिस्टम यहाँ चलता है कि टूर्नामेंट का, जी जी वो अभी फ़िलहाल चांस होंगे आगे नेक्स्ट या अभी अभी, अभी तो नहीं हुए शायद अभी स्टार्ट हुआ है। जी जी, डडियाल में बहुत ज़्यादा प्लेयर हैं टेकन 7 के, तो पहले इनके पास मौजूद थी टेकन 7 लेकिन काफ़ी अर्से से डडियाल में ऐसी कोई मतलब गेमिंग का जोन नहीं था जहाँ वो प्रैक्टिस कर सकें। अभी हमारे पास काफ़ी प्लेयर आते हैं, तो काफ़ी प्लेयर है टेकन 7 के, अभी उनका हाथ सीधा हो रहा है। तो जब सब तैयार हो जाएंगे तो इंशाल्लाह एक ज़बरदस्त टूर्नामेंट का इफ्तिताह करेंगे और इंशाल्लाह आपके चैनल पे, हमारे चैनल पे, सब चैनलों पे इंशाल्लाह ऑनलाइन दिखाने की कोशिश करेंगे। बड़ी अच्छी गेम है, वालदैन की अक्सर शिकायत रहनी है कि गेम पर भी बच्चे जो है ना एनर्जी जो है ना ज़ाया हो जानी है उन्होंने, मतलब कि हेल्दी नहीं रहने। लेकिन ये गेम जी है स्पेशली मैं समझना है कि नाल वर्जिश भी होनी, मैं 2 मिनट खेड़ी है बाजू की तरह। और जी हाँ, वालदैन को काफ़ी वो इतराज़ भी होता है और उस्तादों को भी, आप भी टीचर्स हैं तो आपको भी होता है कि बच्चे काफ़ी अपना टाइम ज़ाया करते हैं। इसलिए हमने अपने गेम जोन का वो बाहर आपने पोस्टर देखा होगा सीढ़ियों पर कि हमारा एक स्कूल के टाइम पे कोई भी यूनिफॉर्म वाला बच्चा इधर अलाउड नहीं है, मगरब के टाइम कोई भी छोटा बच्चा अलाउड नहीं है, गाली गलोज स्मोकिंग ऐसी कोई भी यहाँ चीज़ अलाउड नहीं है और काफ़ी हमारे स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, मतलब इसको फॉलो करते हुए हम। और 1.5 घंटे से ज़्यादा एक बच्चा 1.5 घंटे से ज़्यादा इधर अपना टाइम स्पेंड नहीं कर सकता। ये हमारी सबसे ज़्यादा जो स्ट्रिक्ट है ना वो है, क्योंकि 1.5 घंटे से ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता बच्चों के लिए। इसलिए PC गेम, ये गेम या ये गेम हो, 1.5 घंटे से ऊपर एक बच्चा एक दिन में नहीं खेल सकता। बाकी टाइमिंग क्या है इसकी? टाइमिंग ये आधे घंटे के 50 रुपये हैं, तो इसके जो भी गेम है ना, जो भी है वो 100 रुपये चार्ज कर रहे हैं जी। और ये 5 रुपये, ये पुराने से 5 रुपये है तब की। तो ऑनलाइन गेम है उसके 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 70 हैं, ऑनलाइन गेमों के 70 है। टाइम कितना है उसका? टाइम वो ये आधा घंटा, आधा घंटे आधे घंटे के 70 जी। बाकी ये है कि कनेक्शन वगैरह का मसला नहीं है, बिजली जब चली जाती है तो? नहीं नहीं, बिजली चली जाती है तो UPS है, तो UPS में ये सब PC चल जाते हैं, ये गेम और वो गेम नहीं चलती। ठीक है माशाल्लाह जी। बाकी AC वगैरह भी साथ है, गर्मी में अगर कोई गर्मी वगैरह लगे तो ठंडा ठंडा माहौल जी। तो राशिद साहब थोड़ा
इधर भी क्रासवाज उर्दू तो पटवारी मिक्स होगी क्योंकि भाई साहब भी जरा ताल्लुक बेसिकली कि जगह से गुजरात से है। मेरा बेसिक ताल्लुक गुजरात से है, तो इधर हमें तकरीबन 15 साल हो गए हैं, तो हमें पंजाबी भी भूल गई और पहाड़ी अभी सीख रहे हैं, तो उर्दू तो स्कूल में सीख ही ली है थोड़ी। तो बाकी ये जो सेटअप है इसका क्या है? ये सेटअप है कि गेमिंग के रिलेटेड कोई भी काम हो, अगर मोबाइल में गेमें डलवानी है या पीसी में अगर पीसी तैयार करवानी है या कोई भी एक्सेसरीज कंप्यूटर के हवाले से वो यहाँ मौजूद है। रिपेयरिंग वगैरह? रिपेयरिंग कंप्यूटर का भी हमने स्टार्ट नहीं किया, और छोटे कज़न को ट्रेन कर रहे हैं कि वो इधर आगे बैठे, तो इंशाल्लाह 6 मंथ तक वो भी ट्रेन हो जाएगा, तो इंशाल्लाह इधर वो भी काम शुरू हो जाएगा। बाकी अक्सर गेम जो में देखा गया है कि रिफ्रेशमेंट का भी इंतज़ाम होता है, वो फिलहाल अभी रेक से ज़्यादा है कोई या? अभी आज हमें तकरीबन मंथ हो गया, आज के दिन हमारे पिछले मंथ को इस दिन को इफ्तिताह हुआ था, तो आज हम पूरे मंथ बाद आए, ये मेरा इतराज़ है आपसे। और दूसरा फ्रेशमेंट का हम इंतज़ाम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इस गेम जोन को और बड़ा करेंगे और फ्रेशमेंट का इंतज़ाम भी करेंगे। बेहतरीन हो गया जी, ज़बरदस्त। और बाकी इंशाल्लाह सब को दावत है कि आप आएँ एक मरतबा ज़रूर देखें, अपनी ज़बान च पाना है कि जनाब लाजमी विजिट करना है जेड़ा जेड़ा भी डडियाल टी वी नाजरीन है तकसी है, और स्पेशली फेसबुक पर ज़्यादातर साढ़े इतने नहीं है डडियाल ने, मतलब कि इर्द गिर्द ने यूनियन कौंसिल डडियाल ने सारे इलाके में बंदे सारे की है कि एक दफ़ा लाजमी सब विजिट करना और इस गेम जोन की चेक लाजमी करना चाहिए। तो सब बाकी को दसना चाहेंगे? बस जी सब कुछ कह दिया है, बस खुदा हाफिज़ एंड इन्विटेशन टू ऑल कि आप सब यहाँ विजिट करें और जो कमी है वो भी बताएं, उसको भी दूर करें, और बस यही। एड्रेस जो है आप अपनी ज़ुबानी बता दें। एड्रेस है कि ताजमहल प्लाजा है, गवर्नमेंट पायलट हाई स्कूल के मेन सामने है, तो बेसमेंट है, ताजमहल प्लाजा बेसमेंट है। बिल्कुल पायलट हाई स्कूल डडियाल, उसने बिल्कुल सामने जरा प्लाजा है उसने नीचे नीचे ली साइड पर है जिससे कि मिलसी है। बाकी और कोई रहनमाई चाहिए हुई तो इन्होंने नंबर भी मैं चाहिए सर, और बाकी इन्होंने एक चैनल भी है उसने भी मैं लिंक सर की चाहिए सर, ना उस चैनल ना चाहिए। ज़रा हट के जी, ज़रा हट के, माशाल्लाह बढ़िया अच्छी वीडियो बनाने भी अपनी ज़ुबान भी अच्छी होनी है, कुछ इन्होंने ब्लॉग भी अच्छे रहने, क्लिप भी अच्छे रहने, मतलब मुख्तलिफ जरा इन्हें कम करने इंशाल्लाह उसना भी विजिट सा की दसी। चैनल ने वाले ने कोई दसना चाहिए? चैनल के हवाले से कि हमें काफ़ी शौक था वीडियोस बनाने का स्कूल के टाइम से, तो मज़र और मैंने स्टार्ट किया कि हमें एडिटिंग का भी शौक़ था, वीडियो बनाने का भी शौक था, स्क्रिप्ट लिखने का भी शौक़ था, इसलिए हमारे एक शौक के लिहाज से शुरू किया था, तो अभी काफ़ी शौक पूरा हो गया था, थोड़ा सा स्लो पड़ गया, लेकिन इंशाल्लाह के वीडियो आपको मिलेंगी, और हम मज़ीद ये कोशिश करते हैं क्योंकि नया चीज़ लेके आए, नई एडिटिंग डाले हैं, आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो इंशाल्लाह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रा हट के चैनल है, वो लिंक नीचे मिल जाएगा, और अगर आपको और अच्छी लगे तो कमेंट करें ताकि और ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए बना सकें। बहुत शुक्रिया अज़र साहब, इंशाल्लाह फिर एक मतलब मुलाकात होगी आपसे कभी, आपने कहा है कि अभी लीग होगी आगे मुकाबले लीग होगी, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात हो। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।